आज 8 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारी इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइस मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए, बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉडफादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन युग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन युग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है जिससे सारी दुनिया को
सुख शांति मिलती है उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकस भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच अवतार है। ठिकर भीतर में है, भूल में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। तमो प्रधान बनते जाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिकर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन, सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्साएं, भीलनियां, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तुम याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं, गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं।
कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है ही शिव, बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो, और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? किसी ने कहा ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा? विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है, यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तुम इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थाई सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है, जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी, जो सीखेंगी यहाँ के बच्चे ही। साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब आदि ही सबको खलास कर देंगे।
मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है, यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं, बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है पूछो, यह कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच ते ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है? मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मनमना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम जात करूं तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं यह नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद
आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति।